में बात जिले में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा बच्चों के प्रभावित होने की बात कही जा रही है, क्योंकि बच्चों को अभी कोविड का टीका नहीं लगाया गया है। इसके अलावा जैसे जैसे देश में कोरोना के केस कम हो रहे हैं तो देश अंदर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को भीड़ बाज़ारों की तरफ रुक कर रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बच्चे फास्ट फूड की रेहड़ियों पटरियों पर खूब भीड़ कर रहे हैं और फास्ट फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं। फास्ट फूड खाने से आम दिनों में भी चिकित्सक लोगों से मना करते हैं, लेकिन रेहड़ी तथा पटरियों पर बिकने वाला फास्ट फूड धूल मिट्टी इत्यादि के साथ होता है। इसके अलावा सबसे खास बात तो यह है कि जो तेल का इस्तेमाल फास्ट फूड जैसे समोसा, ब्रेड, पकौड़े, चाउमीन, बर्गर इत्यादि में किया जाता है, वह अच्छे दर्जे का नहीं होता, इसलिए बीमारियों का खतरा और ज़्यादा सताता है। कुल मिलाकर डॉक्टर वसंत दुबे, उप सिविल सर्जन मेवात, ने खास बातचीत के दौरान कहा कि महिलाओं को अपने बच्चों के लिए घर पर ही खाना बनाना चाहिए। अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। स्कूल तथा आंगनवाड़ियों में भी बच्चों के आने वाले खतरे को देखते हुए छुट्टियां की हुई हैं, लिहाजा किसी भी सूरत में बच्चे घरों से बाहर ना जाएं। इसके अलावा रेहड़ी तथा पटरी पर बिकने वाले फास्ट फूड से परहेज करें, यह बच्चों की सेहत पर भी भारी पड़ सकता है। आपको बता दें कि अभिभावक भी मानते हैं कहीं ना कहीं माता पिता बच्चों की सेहत को लेकर लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ना तो बाज़ार में जाना चाहिए और ना ही फास्ट फूड खाना चाहिए। कुल मिलाकर बच्चों को फास्ट फूड से बचाने के लिए अभिभावकों को अहम किरदार निभाना होगा, तभी बच्चों को आने वाले खतरे से बचाया जा सकता है। आप देख रहे हैं नुहू मिवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी भारत सरकार के लिए और हरियाणा सरकार के भी गाइडलाइन अभी निकली कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको बंद रखा जाए और क्रचेस को भी बंद रखा जाए पूरे जुलाई माह तक, तीसरी वेव की संभावना को देखते हुए। और हम सभी एहतियात का अगर पालन नहीं करेंगे, दूसरी लहर के बाद अब जो छूट मिली है उस छूट का दुरुपयोग करने लगे हम सभी। घर के बड़े बिन जरूरी काम के अलावा बड़े भी ना जाएं, बच्चों को तो कभी भी किसी तरह पे लेके जाना उचित नहीं है। घर में ही बच्चों को माओ कई आइटम बनाती हैं, बच्चों को वो दिए जाए। और जो ये बाहर रेडियां बनती हैं उन पे जो फास्ट फूड बनता है वो एक ही तेल का बार बार उपयोग किया जाता है, जो कि कैंसर और दूसरी बीमारियों का भी कारण होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बच्चों में बढ़ता है इन सब चीज़ों की वजह से। तो बिन ज़रूरी बच्चों को तो किसी भी वजह से बाहर ले आना अभी ठीक नहीं समझते हम। जुलाई माह में तो पूरी पाबंदी रखी जाए इस पर और उनको घरेलू आहार ही दिया जाए। इसी तरह से स्कूलों में भी हम देखेंगे तो स्कूल भी छोटे बच्चों के लिए शुरू नहीं हुए हैं। वो जो एहतियात घर सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे जो स्कूलों में आते हैं उसके लिए बरती, उस पूरे में पानी फिर जाएगा अगर हम और हमारी जनता इसको अपने क्या कहते हैं दैनिक चर्या में नहीं लाएंगे, है ना। तो बच्चों को घर पर ही रखें, ये आप सबसे गुजारिश है। भावना है बिल्कुल, अनलॉक खुलने के बाद में जो खासकर बच्चे हैं अब लगभग 5-6 महीने से घरों में थे, अब उनका मन कर रहा है फास्ट फूड खाने को। एकदम से रेडियो पे हम देखेंगे तो 5-7-10-20 और इससे भी ज़्यादा तादाद में बच्चे हमें मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये संभावित खतरा है। और इसमें जो हमारे अभिभावक हैं वो उनको आगे आना चाहिए और बच्चों को रोकना चाहिए।